पीछे से। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक बड़े फाइनेंसर को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने जिस आरोपी को पकड़ा है उसका नाम मोहम्मद रफी नजर है। वो जम्मू कश्मीर के सोपोर जिले का रहने वाला है। आतंकी रफी नजर हिजबुल के हैंडलरों के जरिए पैसे लेकर उन्हें घाटी में पहुंचा रहा था, जहां इनके जरिए आतंकी घटनाएं अंजाम दी जाती थी। पुलिस जांच में पता चला कि आतंकी रफी नजर को पाकिस्तान से हिजबुल मुजाहिदीन के हैंडलर्स पैसे भेजते थे, फिर रफी नजर जम्मू कश्मीर में इन पैसों का हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों तक पहुंचाता था, जो आतंकी संगठन की नापाक हरकतों को अंजाम देने के लिए इनका इस्तेमाल करते थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान से ये पैसा हवाला चैनलों के जरिए भारत तक पहुंचा रहा था। पश्मीना शॉल के कारोबार की आड़ में पड़ोसी मुल्क से दहशतगर्दी के लिए पैसा आ रहा था। दरअसल दिल्ली पुलिस ने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी जावेद मट्टू को 4 जनवरी को डीएनडी फ्लाईओवर के पास से गिरफ्तार किया था। मट्टू की निशानदेही पर मोहम्मद रफी नजर को पकड़ा गया था। स्पेशल सेल मट्टू का 12 दिन का रिमांड ले चुकी है, वहीं मोहम्मद रफी नजर 4 दिन से पुलिस रिमांड पर है। दोनों की रिमांड आज खत्म हो रही है। दोनों आतंकियों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 4 जनवरी को जावेद मट्टू को गिरफ्तार किया था। इस आतंकी पर 10 लाख रुपए का इनाम था। हिजबुल कमांडर मट्टू पाकिस्तान का दौरा भी कर चुका था और वहां से आतंक की ट्रेनिंग ले चुका था। पुलिस को मट्टू के पास से एक पिस्टल, मैगजीन और चोरी की एक गाड़ी मिली थी। मट्टू कितना खूंखार अपराधी है इसका अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि उसने घाटी में 5 बार ग्रेनेड हमले को अंजाम दिया था। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।